के बातों पर हम आश्वासन और विश्वास नहीं करेंगे तो हम न्याय मांगने कहां जाएंगे। कोई भी घटना किसी के पास घटेगा तो हम जिला अधिकारी के पास नहीं जाएंगे। इसलिए जिला अधिकारी ने अनशन कार्यों के उग्र रूप को देखते हुए, उनकी इनकी हालत को चिंताजनक देखते हुए शास्त्र मांगों को स्वीकार कर लिए डीएम साहब, और मांग स्वीकार करने के बाद अनशन तुड़वाने के लिए अनशन स्थल पर दो वरीय पदाधिकारी को भेजे हैं जो मेरे बातों के मांग पत्र को ये लोग समर्थन करेंगे। धन्यवाद सर। आदरणीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मित्र एस डी सी साहब, पत्रकार बंधु, इन्होंने जो बातें रखी डीएम साहब के सामने, डीएम साहब ने स्पष्टतः न्याय दिलाने की बात कही कि हर हालत में न्याय मिलेगा, वो न्याय डिलीवरी माइन है। और जिन्होंने जितनी इन्होंने बातें कही ये बातें इन्होंने सही रखा, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हम लोग इसी इनके मान सम्मान के साथ इस आमरण अनशन को तोड़वाने के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में आए। इन लोगों ने हम लोगों की बातें, हमारे डीएम साहब की बातें, उनके आश्वासन को माना, इसलिए हम लोग बहुत बहुत इनके शुक्रगुजार हैं। और हम लोगों की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से, डीएम साहब की ओर से, जो लोग बैठे हैं उनको हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, 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 श्री कलाम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, श्री कलाम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हमारे सिद्धांत माता अम्बेडकर साहब अमर रहे। हम लोगों ने मैं पहले ही कहा कि आपने आपने जो बातें रखी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आपने सभी बातें